नमस्कार, मैं पंडित नरेंद्र उपाध्याय लाइव हिंदुस्तान के ज्योतिषीय कार्यक्रम में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 26 दिसंबर 2020 की ग्रह स्थिति देखते हैं। मंगल और चंद्रमा अभी भी लक्ष्मी योग बना करके मेष राशि में बैठे हैं, राहु वृषभ राशि में, शुक्र और केतु वृश्चिक राशि में, धनु राशि में सूर्य और बुध हैं, मकर राशि में बृहस्पति और शनि। एक मंगल के सुधर जाने से ग्रहों पे और सारे राशियों पे, ग्रहों पे नहीं सारे राशियों पे एक सकारात्मक प्रभाव जरूर पड़ा है। मैं पहले भी बताया हूं, मंगल रक्त है, मंगल पौरुष है, मंगल ताकत है, मंगल सैन्य से संबंधित चीजें हैं, तो इसका प्रभाव राशियों पर पड़ा है, सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। राशिफल देखते हैं। मेष राशि, आशातीत सफलता, सकारात्मक ऊर्जा का संचार हो रहा है, चमकते हुए सितारे की तरह दिख रहे हैं, जिस चीज की जरूरत है उसकी उपलब्धता है, प्रेम भी अच्छा, व्यापार भी अच्छा, सूर्य को जल देते रहिए और अच्छा होगा। वृषभ राशि, पार्टनरशिप में थोड़ी सी टकराहट, खर्चों से परेशानी, शारीरिक स्थिति अच्छी नहीं है, प्रेम करीब करीब ठीक है, व्यापार भी ठीक है, हरी वस्तु पास रखें, शनिदेव को प्रणाम करें। मिथुन राशि, आर्थिक सफलता, शुभ समाचार की प्राप्ति, स्वास्थ्य अच्छा, प्रेम मध्यम, व्यापार अच्छा, पीली वस्तु का दान करें। कर्क राशि, शासन सत्ता पक्ष का सहयोग, पिता का साथ, कोर्ट कचहरी में विजय, स्वास्थ्य उत्तम, व्यापार उत्तम, प्रेम उत्तम, बजरंग बली को प्रणाम करें। सिंह राशि, भाग्य बस बढ़ोतरी, धार्मिक कार्यों में भाग लेंगे, स्वास्थ्य अच्छा, प्रेम मध्यम, व्यापारिक दृष्टिकोण से कुछ नया होने के संकेत दिख रहा है, पीली वस्तु पास रखें। कन्या राशि, बच के पार करें, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है, कोई नई शुरुआत ना करें अभी, प्रेम में उलझनों का संकेत है, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चलेंगे, लाल वस्तु का दान करें। तुला राशि, शत्रुहंता योग का निर्माण हो रहा है, विरोधी परास्त होंगे, रुका हुआ कार्य चल पड़ेगा, फिर भी स्वास्थ्य मध्यम दिख रहा है, प्रेम चेंजिंग की तरफ, व्यापार करीब करीब सही चलेगा, नरम गरम चलता रहेगा, पीली वस्तु का दान करें। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि की स्थिति विरोधियों पर भारी पड़ने वाला है, गुण ज्ञान की प्राप्ति होगी, शारीरिक थोड़ी सी डिस्टर्बेंस का संकेत है, फिर भी आप आगे बढ़ेंगे, प्रेम में थोड़ा नरम गरम बना रहेगा, व्यापारिक दृष्टिकोण से आप सही चलेंगे, पीली वस्तु पास रखें। धनुराशि, महत्वपूर्ण निर्णय लेने का समय आ चुका है और निर्णय लेने की क्षमता में बढ़ोतरी हुई है, प्रेम की स्थिति बहुत अच्छी दिखाई पड़ रही है, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी करीब करीब आप ठीक चल रहे हैं, हरी वस्तु का दान करें। मकर राशि, भौतिक सुख संपदा में वृद्धि, लेकिन घर का माहौल थोड़ा बढ़ा रहेगा, मां के स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है, स्वास्थ्य करीब करीब ठीक रहेगा, प्रेम की स्थिति मध्यम, व्यापारिक दृष्टिकोण से मध्यम से बेहतर की तरफ, काली जी को प्रणाम करते रहे। कुंभ राशि की स्थिति व्यावसायिक सफलता वाला है, भाइयों मित्रों का साथ रहेगा, स्वास्थ्य करीब करीब ठीक है, प्रेम और व्यापार आपका चमकते जा रहा है, गणेश जी की वंदना करें। मीन राशि, धन का आवक बना रहेगा, चौतरफा एक आमदनी का जरिया बनेगा, भाग्य साथ देगा, स्वास्थ्य मध्यम रहेगा, प्रेम लाभप्रद होगा, हनुमान जी को प्रणाम करें, शिव जी का जलाभिषेक करें। नमस्कार।